देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। कार सवार चार भाई महाराष्ट्र घूमकर अपने घर इंदौर की ओर लौट रहे थे, हिमालय स्कूल के समीप हुए हादसे का शिकार। अज्ञात वाहन ने मारी कट, कार अनियंत्रित होकर 3-4 बार पलटी, घटनास्थल पर 2 लोगों की मौत। धार जिले के धामनोद थाना क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग के हिमालय स्कूल के समीप ओवरटेक के दौरान कार चालक से कंट्रोल नहीं हुआ, जिससे अनियंत्रित होकर कार 3-4 बार पलटकर सड़क से नीचे उतर गई, जिसमें 2 लोगों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि इस हादसे में 2 लोग घायल हुए। बताया जा रहा है कि कार में 4 भाई सवार थे, जो महाराष्ट्र घूमकर अपने घर इंदौर की ओर लौट रहे थे। इसी बीच हिमालय स्कूल के समीप यह दर्दनाक हादसा हो गया। मृतकों में सौरभ उम्र 17 वर्ष, अजय पिता बाबूलाल 35 वर्ष निवासी इंदौर, और 2 घायलों को चोट होने से धामनोद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां पर डॉक्टर्स द्वारा 2 मृतकों का पोस्टमार्टम किया गया और घायलों का प्राथमिक उपचार किया गया। जो हादसा हुआ है, अभी हादसा ये हुआ है, मतलब गाड़ी हम चला रहे थे, हमारा बड़ा वाला भाई, बल्कि साइड में मालूम है ट्रैवल ने कट मारा, गाड़ी का कंट्रोल नहीं हुआ, तो गाड़ी ने मालूम है एकदम 3 बार पलटी हुई, 2 जन के स्पॉट हो चुके हैं और 2 जन बच चुके हैं। हम जा रहे थे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में वापस आ रहे थे घूम के, तो हम इंदौर आने वाले रास्ते पर यह हादसा हो चुका है। कहाँ के रहने वाले हो? इंदौर। इंदौर के रहने वाले? प्रॉपर बताइए ना कहाँ के। प्रॉपर इंदौर, अपना गेट चौराहा। गेट चौराहा के रहने वाले? हाँ। इनमें मृतक कौन कौन है? इसमें हम 4 व्यक्ति थे, 4 भाइयों थे हम। मरने वाले सौरभ था एक, और एक अपने डांस साहब थे। और मतलब जो मेरे को लगी है, एक मैं था और एक और था एक भाई, जो भी मतलब भर्ती है। अच्छा। हाँ। आपका शुभ नाम? शुभ नाम चिराग खटिक।